गाइस वेलकम बैक दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारे रस्टी मैडम यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है रस्टी यहाँ पे भाई? हेलो ये देखो गाइस, तो ना यार आज इसने क्या किया अभी मॉर्निंग में, इसका जो फीड मैंने इसको दिया था ये देखो भाई, सारा कुछ फैला दिया। सिम्बा कहाँ गया? सिम्बा तो पक्का टेरेस पे ही गया होगा भाई। और दोस्तों अभी मॉर्निंग के टाइम में भाई ये इधर उधर घूमते रहते हैं यार। और दोस्तों मैंने हमारे कल रिवर फिशिंग को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रखा था और हमारे जो रिवर फिश है यार ये अभी ठीक हो गई यार, ठीक है ना। ये देखो यार इसके ऊपर दोस्तों व्हाइट हो गया था, तो अभी ये पूरा क्लियर हो गया और अभी हमारे जो फिशेज है ये थोड़ी बहुत एक्टिव हो चुकी है और मैंने इनको अभी थोड़ी देर पहले ही फीडिंग दिया है और ये फीड भी खा रही है, ठीक है। और देखते हो ये खाती है, इनको तो मैं ड्राइड श्रिंप ही खिला रहा हूँ क्योंकि इनको रिवर में आदत होगी यार, एक दूसरे फिशेज को इनको आदत होगी भाई श्रिम्प खाने की, क्योंकि हमारे रिवर में बहुत ज्यादा श्रिम्प है भाई। ये देखो एक मिनट ये खाएगी। दोस्तों आज हमें क्या करना है आपको पता है भाई? आज हमें सारे टैंक के ऊपर एक अच्छा सा ऐसा वाला नेट लगाना है, जैसे कि मैं आपको बोला था। मेरे दिमाग में ये कब का आइडिया चल रहा था दोस्तों, क्योंकि भाई मैं एक्वेरियम शॉप गया तो वहां पे मुझे हमारा जो टैंक का जो साइज का कवर होता है वो मिल ही नहीं रहा यार, ठीक है ना। ये देखो भाई हमारे टैंक का जो साइज है ना, मैंने ऐसा बहुत बड़ा लिया है क्योंकि हमारे फिशेस को बहुत बड़ी स्पेस मिल सके यार। मैं बहुत घुमा एक्वेरियम शॉप इधर उधर गया, तो एक अंकल के पास हुआ भी था हमारा डील, बट अंकल क्या बोले कि भाई आपको थोड़ा दिन लगेगा क्योंकि आपके बहुत सारे टैंक है, तो उनके मतलब 7-8 दिन तो कैसे भी लग जाएंगे, तो यार हमारे पास इतना टाइम तो नहीं यार। तो मैंने सोचा कि भाई ये वाला जो हमने यहाँ पे नेट लगाया था ये अच्छा भी दिखता है और इससे हमारे फिशेज को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि भाई अभी आज मैं जाऊंगा और ये वाले साइज के मतलब हमारे सारे एक्वेरियम को कवर कर देंगे, ठीक है। ये नेट बहुत अच्छी यार, ग्रीन वाली नेट है, तो मैं सारे एक्वेरियम के ऊपर ये नेट लगाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों ये लगाता हूं ना यार इनको फीडिंग को थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसे ये करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आज हमें जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अभी हमारे जो रैबिट से उनका जो केज है वो भी हमें क्लीन करना है यार। रैबिट का वगैरह केज हम क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा मार्केट लेके आऊंगा। ये देखो भाई रैबिट का केज का आप हाल देख सकते हो, ठीक है। बहुत दिन हो गए भाई, जैसे ही बच्चे दिए इन्होंने तब से मैंने इनका केज क्लीन नहीं किया है, ठीक है। तो चलो भाई आज इसका पूरा क्लीन ही कर लेते हैं। हमारी स्कूबी आ गई, स्कूबी इधर इधर, स्कूबी चल स्कूबी। अरे ये क्या, अरे यार रस्टी और सिम्बा का फूड खा रही है। अरे ये उनका फूड है यार, तेरा अलग फूड है, चल आजा बाहर। ये देखो भाई चल चल आजा 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 स्कूबी इधर। अबे मिलने का नाम ही नहीं ले रही यार ये, एक मिनट पकड़ी से इसकी केज, एक मिनट। गाइस अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सारे रैबिट्स बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। ये सारे ना डरबों के नीचे छुप गए यार। तो गाइस सबसे पहले हमें ना ये वाला लकड़ी का डरबा निकालना होगा पहले यार, काफी ज्यादा भारी यार ये गिर जाएगा भाई, तू बाजू में सरक जा ब्रो। मुझे ना सारे रैबिट के बच्चे ना यार इस वाले केज में शिफ्ट करने होंगे, दिखा एक मिनट आराम से, काफी ज्यादा भारी यार ये, नहीं आएगा ये बाहर, नहीं आएगा क्योंकि ये सारा सेटिंग निकालना होगा फिर ये बाहर आता है। एक मिनट इसे ना इसे अंदर रहने से, उनको पकड़ ले दो। क्या भाई हमारा स्नो, जा स्नो अंदर। अरे भाई हमारी ग्रे, जा ग्रे अंदर। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला बच्चा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जा भाई तू भी इधर अंदर। और ये हमारा ब्लैक, मतलब हमारा जूनियर ब्लैक ही, हमने इसका नाम है ना दोस्तों जूनियर ब्लैक ही रखा है, जा जूनियर ब्लैक ही अंदर। हमारे व्हाइट वाले जाओ भाई अंदर। दोस्तों ये इतने बड़े हो गए भाई, ये देखो यार इतने बड़े हो गए यार ये भाई साहब। भाई हम हमारे सारे रैबिट के बच्चे आ गए और हमारे स्नो और ग्रेवी आ चुके। एक मिनट ये डोर लगा ले, बाहर आएंगे फिर से। भाई ये थोड़ी देर रुको तुम यहाँ पे, ठीक है ना, तुम्हारा केज क्लीन हो रहा है यार। दोस्तों मैंने हमारे रैबिट के केज के अंदर पूरी घास फैला के रखी थी यार, ठीक है ना, क्योंकि इनको यार ठंडक रहे और इनको अनलिमिटेड घास देता रहो, ठीक है। तो क्या होगा ना भाई, अभी हमें सारे घास निकालनी होगी क्योंकि अभी ये कुछ काम की नहीं रही यार, ठीक है। और ये पूरी घास निकाल लेते और जो अंदर की मिट्टी है ऊपर नीचे कर देते, मतलब ये परफेक्ट रहेगा। तो इसकी हेल्प से मैं अभी सारा कुछ है ना सेट कर देता हूँ यार। चलो भाई अंदर जाना। दोस्तों मैंने हमारा पूरा रैबिट का केज अभी अच्छे से क्लीन कर लिया और जो सूखी हुई घास थी ना यार ये रहने दी सिर्फ, क्योंकि इनके लिए सूखी हुई घास अच्छी रहेगी यार, ठीक है। थोड़ी गर्माहट भी देगी और जो मिट्टी है इनको थोड़ा ठंडा भी रखेगी यार। और मैंने इस बार क्या किया, यहाँ पे देखो यार इसे यहाँ पे इनको छुपने के लिए मैंने जगह बना दी है, क्योंकि हमारे सारे बच्चे यार इसके नीचे ही यार जाते ठंडा रहने के लिए। तो ये देखो भाई इनको और बड़ी स्पेस मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे भी छुपेंगे और ऊपर से और एक डरबा आएगा, चूँकि आधे मैं अंदर
एक मिनट फंस गए अंधे। तो मैंने हमारे रैबिट का केज का जो सेटिंग है थोड़ा चेंज किया है। इस बार ये जो डरबा था हमारा ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा हमारे रैबिट से यहाँ पे ज़्यादा नहीं, से हमारा स्नो बैठा था अभी वहाँ पे। तो इस बार मैंने क्या किया भाई, इनको यहाँ पे ये खेल भी सकते और थोड़ा हेडिंग स्पेस भी इनके लिए मैंने दिया है, और यहाँ पे नीचे भी बैठ सकते और इस डरबे के भी नीचे ही आराम से बैठ सकते, इधर भी बैठ सकते और इधर से उधर ये जा भी सकते, ठीक है। और ये सारे बच्चे भाई उनका घर बनते हुए देख रहे हैं। ये देखो ये ब्लैक वाला जूनियर ब्लैक ही कैसा बैठा हुआ है यहाँ पे। इनका तो घर मैंने अभी रेडी कर दिया है, बाकी तो कुछ नहीं रहा अभी, ठीक है, परफेक्ट है इनके लिए। अभी यहाँ पे इनको छोड़ देता हूँ। तो मैंने इनके लिए अभी पूरी घास भी फैला दी है। चलो भाई स्नो स्नो आराम से भाई, ये बहुत खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा नख मारता है ये। आराम से जा भाई ग्रे, जा भाई आराम से ये भाई बाबर ग्रे और जा भाई। ये देखो गाइस, मुझे पता था यार ये उसके नीचे जाएगी। जा भाई तू भी जा। ये देखो भाई ये गया, जा भाई जूनियर ब्लैकी, ये गई भाई हमारी जूनियर ब्लैकी। ये देखो गाइस यहाँ पे हमारा स्नो भी पूरा घर देखेगा भाई, ठीक है ना। इनके लिए अभी ये स्पेस बहुत अच्छी हो गई यार। जा भाई तू भी। तो गाइस तुम भी दोनों जाओ। ये देखो यार वाओ, ये देखो भाई हमारा स्नो अभी पूरा देखेगा। मैं बोला था ना भाई अभी पूरा उसका घर देखेगा भाई, क्या क्या मैंने चेंजेस किए यहाँ पे। वाओ ये देखो यार परफेक्ट। यहाँ पे नीचे ये क्या कर रहे हैं भाई। अभी हमारे रैबिट का केज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी होता हूँ और मार्केट निकलता हूँ और हमारे फिशेस के लिए मैं वो नेट लेके आता हूँ। दोस्तों मैं तो अभी रेडी हो चुका हूँ यार। तो सबसे पहले मुझे ना हमारे टैंक का माप ले लेना होगा, मतलब एसी में कितनी जाली लगने वाली है और एसी कितनी जाली लगने वाली, ठीक है। अरे स्कूबी ना, स्कूबी क्या हुआ, आराम से भाई बाहर ही रुक। हार्डवेयर शॉप तो अभी आ चुके हैं और ये जो वाली जाली हमें लेना है भाई, ठीक है। तो चलो इसे भी जल्दी जल्दी निकालते हैं। नेट तो मैं अभी लेके आ गया, तो चलो भाई अभी मैं सारे फिश टैंक के ऊपर ये नेट लगा देता हूँ। भाई इसे कैसे बांधा है भाई, हमारे से ना खुल ही नहीं रहा यार, इसे तोड़ना होगा यार यहाँ से। फाइनली ओपन हो गया। तो सबसे पहला एक क्यूब उठाते हैं और ये वाले टैंक को लगाते हैं। फाइनली गाइस मैंने हमारा पहला वाले टैंक ये वाली नेट लगा दी। ये देखो यार ये खूबसूरत भी दिख रहा है और यहाँ से हमारी फिश जंप भी नहीं कर पाएगी यार, ठीक है। तो चलो गाइस अभी सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमारे अरवाना का टैंक, ठीक है। अरवाना बहुत ज्यादा जंप मारती है यार। तो हमारे स्कूबी का भी खाना भी रेडी हो चुका है दोपहर का। आ जाओ स्कूबी, आ जा आराम से। ये देखो गाइस, चलो अभी इसका खाना एंजॉय करेगी और हमारे रैबिट के बच्चे भी इसका घास खा रहे यार। ये देखो गाइस, ये लो जी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमारे अरवाना का जो नेट लगाना था भाई वो हो गया यार, ठीक है ना। अभी हमारी अरवाना से भाई बिल्कुल भी ये जंप नहीं कर पाएगी यार, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से अभी रहने वाली है। ये देखो गाइस अभी पूरा फिट कर दिया। तो चलो गाइस अभी मैं ना सारे टैंक के नेट लगा देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने हमारे सारे टैंक के ऊपर ये वाली नेट लगा दी। ये देखो गाइस अभी ये लास्ट वाला बच्चा है तो ये भी लगा देते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है यार। पहले क्या हुआ करता ना दोस्तों, हमने जो फाइबर का जो ऊपर का ढक्कन होता है डब्बे का वो रखा था, यहाँ पे जाली रखी थी तो ये इतना अच्छा नहीं दिखता था। अभी ये पूरा अच्छा दिख रहा है यार, ठीक है। ये देखो भाई ये कैसा दिख रहा है ना ऊपर नीचे, तो ऐसा दिखता था यार, मजा नहीं आ रहा था। तो अभी देखने का एक अलग ही मजा आ रहा है। और दोस्तों आज मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है, हमारे जो फीमेल फ्लावर है दोस्तों वो हमारे मेल फ्लावर के साथ मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं डायरेक्ट उसको शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, पहले उसे हमें पार्टीशन देना होगा। पार्टीशन देने के बाद एक हमारा ये वाले पार्टीशन में मेल रहेगा, उस वाले पार्टीशन में हमारा फीमेल फ्लावर रहेगा। मैंने जो अभी डायरेक्ट ऐड कर दिया। ए यार स्कूबी चल अंदर, चल अंदर इधर स्कूबी, चलो अंदर। भाई आपको मैं ना सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। मतलब एक मेरा दोस्त है वो उसने उसके घर पे ही फ्लावरों का ब्रीड किया था, ठीक है, उसी के पास से मैं वो नॉलेज ले रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ना जाली का हम पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन करने के बाद मैं हमारे फीमेल फ्लावर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। दिखना भाई ये वाला पार्टीशन रहेगा दोस्तों हमारा। गाइस मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा पार्टीशन कर दिया है जो कि आप ये देख सकते हो भाई, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अंदर से एक नेट एक्स्ट्रा लाई थी तो नेट मार दी यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगी अभी हमारी फीमेल फ्लोरन और वहाँ पे भी हमें स्पून फिल्टर लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा हमारा मेल फ्लोरन। भाई तू नीचे उतर जाना यार, तू गिर जाएगा यार। ये देखो गाइस यहाँ पे है भाई हमारा मेल फ्लोरन।
ठीक है, और उसके साथ हमारा प्लेको है और यहाँ पे रहेगी अभी हमारी फीमेल फ्लोरन, ठीक है। और दोस्तों एक मिनट पहले मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। हेलो फीमेल फ्लोरन, आजा भाई, ये देखो यार बड़ी एक्टिव है यार, आजा भाई, हेलो हेलो आजा, ये देखो आ गई आराम से आराम से आराम से। तो ये आ गई दोस्तों हमारी फीमेल फ्लोरन, ये देखो गाइस, और ये गए भाई हमारा मेल फ्लोरन। और दोस्तों आपको मैं एक इसका रीज़न बताता हूँ, मैंने जो सीधा हमारी फीमेल फ्लोरन को यहाँ पे ऐड कर दिया, पार्टीशन मैंने हमारी फीमेल फ्लोरन को यहाँ पे ऐड करता, तो भाई हमारा मेल फ्लोरन हमारी फीमेल फ्लोरन के ऊपर ऐसा अटैक करता कि भाई ये बच नहीं पाती यार। तो इसी की वजह से इनको हमें पहले अच्छे से फ्रेंडशिप करनी होगी, अभी ये पूरे 15 डेज के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। हमारा मेल फ्लोरन फीमेल फ्लोरन अच्छे से दोस्त बन जाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक प्लेट लाने वाले हैं ब्रीडिंग का, फिर आपको मैं आगे का तो पूरा बताने वाला यार प्रोसेस, ठीक है। तो चलो गाइस अभी ये तो पूरा हो गया, गाइस हमारे सेटअप में एक न्यू वैरायटी की फिश आई है, आपको कमेंट करना है भाई वो कौन सी फिश है, आपको मैं एक ये दे देता हूँ कहाँ पे वो फिश आई मतलब रहने वाली है। तो ये हो गया भाई हमारे टेरेस पॉन्ड, और एक दो और तीन, ये थर्ड वाले टंकी में हमारी फिश आने वाली है बहुत जल्द, और आपको कमेंट्स करना है कि भाई वो कौन सी फिश है। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।